इनके लबे रंगी की निठावर थी के जिसने। कुछ इस्लामी बहनों की तरफ से ये सवाल है कि घर वगैरह में वो कपड़ों की सिलाई करती हैं, लेडीज़ टेलर हैं, तो जो कस्टमर कपड़ा देकर जाता है, कपड़े सिलने के बाद उसमें से कुछ कपड़ा बच जाता है तो ये उनको रख लेते हैं, उमूमन उर्फ़ में यही मशहूर भी होता है। तो क्या वो कपड़ा रख लेना चाहिए या उनको लौटा देना चाहिए, उस कपड़े का क्या हुक्म है? तो देखिए, इसमें दो तीन बातें एहतियात की हैं, उसके हिसाब से आप जो है अपने ऊपर ये चीज़ खुद लागू कर लें कि आपको कपड़ा रखना चाहिए या फिर उनको दे देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून या जेंट्स टेलर के पास अगर कोई जेंट्स कपड़े सिलवाने जाता है और उसके कपड़े में से बचा हुआ कपड़ा इस कदर का है कि वो बाज़ार में वैल्यूएबल है, यानी वो एक कीमत रखता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन समझ लें अगर किसी के सूट में 3 मीटर में अगर जम्फर होता है और वो कपड़ा 3.5 या 4 मीटर दे के जाती हैं आपको, और सूट सिलने के बाद उसका आधा मीटर, 1.25 मीटर या 1 मीटर के करीब कपड़ा बच जाता है, तो ये कपड़ा क्योंकि एक वैल्यूएबल कपड़ा है, उसकी बाज़ार में कीमत है और ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है, तो ऐसी सूरत में उस कपड़े को रखने से पहले कस्टमर की इजाज़त लेना ये ज़रूरी होगा। और अगर कपड़ा सिलने के बाद से कपड़ा इतना बचा, जैसे अमूमन बचता है कि कतर ज़रा सी या फिर थोड़ा सा कहीं से इतना तिकोना या चकोर बचा कि वो इस्तेमाल में जिस कस्टमर का है वो नहीं आ सकता, और छोटे छोटे से पीसेस जो बच जाते हैं कपड़ा काटने के दौरान, तो उस कपड़े को देना ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो कस्टमर के भी कोई इस्तेमाल का नहीं होता और बाज़ार में वो इतना सा कपड़ा कोई कीमत भी नहीं रखता। तो ऐसी सूरत में अगर वो कपड़ा रख लिया जाए या वो कत्तरों में चला जाता है, कूड़े में, तो इसमें कोई हरज नहीं होता कि वो कोई कीमत नहीं रखता और वो कस्टमर के इस्तेमाल में भी नहीं आ सकता। अब इसमें दो सूरतें होती हैं, एक तो ये होता है कि कपड़ा मान लीजिए किसी के एक कुर्ता पजामा बनने में अगर 5.5 या 6 मीटर का कपड़ा लगता है, अब अगर टेलर उसको बताता कपड़ा ज़्यादा है और इस नीयत से कि ये कपड़ा ज़्यादा ही लाएगा और लाने के बाद जो कुर्ता पजामा सिलने के बाद इसका कपड़ा अगर बच जाएगा तो ये रख लेगा, उसके जहन में पहले से बात रहती है कि उसका मिजाज ही टेलर का ऐसा है, तो फिर ये सूरत जो है कपड़ा रखने की या ज़्यादा मंगाने की, अगर ये एहतियात है कि उसको आइडिया वाकई नहीं है कि इसमें 6 लगेगा या 6.5 और इसने 6.5 बता दिया, तो इसमें अगर उसको वाकई इसका अंदाज़ा नहीं है तो फिर ये सूरत दुरुस्त है। और अगर सूरत हाल ये है कि टेलर को मालूम है कि ये कुर्ता पजामा इस हाइट के बंदे का 6 मीटर में सिलना ही सिलना है, और उसके बाद वो उसको कहता है कि 6.5 या 7 मीटर कपड़ा ले आओ, तो जाहिर सी बात है फिर ये आधा मीटर या 1 मीटर कपड़ा तो रखने की अगर नीयत है तो ये कपड़ा फिर रखना उसका दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इस्लामी बहनें अगर कपड़ा सिलती हैं, अगर कोई खातून उनको जम्फर के लिए 3.5 या 4 मीटर कपड़ा दे के जाती हैं और उनको मालूम है कि 2.5 मीटर या 3 मीटर में इनका जम्फर तैयार हो जाएगा, तो फिर ये बचा हुआ आधा मीटर 1 मीटर कपड़ा, क्योंकि ये ज़्यादा कपड़ा है, तो इस सूरत में उनको ये कपड़ा लौटाना पड़ेगा। हाँ, अगर वो कस्टमर लेने से पहले ख़ुद इसका इनकार कर दे कि ठीक है आप रख लो, तो ऐसी सूरत में वो रख सकते हैं। और उन छोटी छोटी कत्तरों का पूछना ज़रूरी नहीं है कि जिसकी कोई कीमत भी बाज़ार में नहीं है और वो इस्तेमाल भी नहीं आ सकता, कि वो कपड़ा काटते वक्त दाएं बाएं से निकल जाती हैं ख़राब सी, वो तो एक कूड़े में जाने के लायक होती हैं या कभी आपके इस्तेमाल में कहीं ना कहीं आ जाती हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, मशीन वगैरह साफ़ करने के लिए, तो उसमें कोई हरज नहीं होता, उसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हुआ एक शरई हुक्म के अगर कपड़े की तादाद ज़्यादा है, वाकई वो इस्तेमाल में आ जाएगा, 0.5 मीटर 1 मीटर ये इससे ज़्यादा है, तो आप उसको लौटा दें। और अगर कपड़े की तादाद इतनी कम है कि 1 बालिश कपड़ा है, 4 उंगल या 1 बालिश कई तरफ से निकला हुआ है, या फिर वो तिकोना कपड़ा है इस अंदाज से कि वो इस्तेमाल नहीं आएगा, तो उसको रख सकते हैं। मगर इन सारी सूरतों में अगर एक एहतियात और बीच की सूरत ये है, यानी ये तो हुक्म शरई है कि आप पूछें ना पूछें, मगर फिर अब तक वह परहेज़गारी की बात करें तो चाहिए ये कि चाहे इस्लामी बहन हो या जेंट्स टेलर हो कि किसी का एक रेशा रखने से पहले भी उसकी इजाज़त ले ली जाए। ये एक अपनी परहेज़गारी और शरीयत का पसंदीदा फ़ेल है कि आदमी के अंदर यानी तकवा पैदा करने वाली चीज़ है, तो वो चाहें अगर उसका थोड़ा सा कपड़ा भी बचा आप कस्टमर के सामने रख दें कि ये कपड़ा जो है ये आपका कपड़ा बचा, ले जाओ। अगर वो ख़ुद अपनी इजाज़त से देगा तो फिर अच्छी बात है, वैसा अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कपड़े सिलने के बाद वो बचे हुए कपड़े आदमी कूड़े वगैरह में डालता है, तो क्योंकि बहुत सारे कपड़े आए हुए होते हैं तो सब में मिक्स होते हैं, उसमें से निकाल के देना भी उसको मुनासिब नहीं होता। तो इस सूरत में करना ये चाहिए कि उससे बोल दे कि आपके वो थोड़े से टुकड़े बचे थे, आप चाहें तो मैं उसको निकाल के दे दूं, और वो अमूमन मना ही कर देंगे शर्म के मारे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे किसी काम का रहने दो, तो आपको उसमें से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर पहले से निकला हुआ है तो कपड़े सिल के आप उनको वो कपड़ा दे देंगे, ये आपका इतना कपड़ा बचा है। मुमकिन होता है कभी आधे मीटर से कम कपड़ा भी होता है तो कस्टमर्स को लेता तो नहीं है, मगर ये कि उसको सामने बता देना ये परहेजगारी है। तो इसलिए इस्लामी बहन हो, टेलर या इस्लामी भाई हो, तो उनको चाहिए कि जितना भी किसी का कपड़ा बचा है वो एक उनको आगाह कर दे कि थोड़े कतरे बची होंगी तो उसमें आप इग्नोर वो खुद ब खुद कर देंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर उनके सामने कपड़ा रखना पड़ेगा। फिर उसको आप ऐसा नहीं कि 4 मीटर कपड़े में 3 का कपड़ा सिला और 1 मीटर आपने रख लिया और आप ये समझते हो कि उर्फ़ में मशहूर है कि टेलर बचा हुआ कपड़ा नहीं देता। तो जो कपड़े की बाज़ार में कीमत है और इस्तेमाल होगा उर्फ़ उसके ऊपर नहीं होता, छोटी छोटी कत्तर और बेइस्तेमाल कपड़े के ऊपर उर्फ़ होता है। वरना उर्फ़ में तो बहुत सारे नाजायज़ चीज़ें भी मशहूर हो गई, किसी का कर्ज़ा लेके भी आजकल आदमी नहीं देता, ये भी उर्फ़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये चल रहा है तो लिहाजा कर्ज़ा देकर देना नहीं चाहिए। उर्फ़ में तो शराब भी बहुत ज़्यादा आम हो गई है, झूठ बोलना आम हो गया है। तो उर्फ़ में ये बेकार के जो कपड़े बचते हैं इस्तेमाल, आप उनको बिना उनकी इजाज़त के भी कर सकते हैं, और हर सूरत में इजाज़त ले लेना ये बहुत बेहतरीन तरीका है। इससे कस्टमर के दिल में आपके एक मोहब्बत और भी बढ़ेगी, साथ में ये कि आपकी ईमानदारी का भी उनके दिल पे असर रहेगा कि भाई ये सामने वाला, अगर आप फिर कभी उससे ये भी कहेंगे कि आपके कपड़े में 50 मीटर कपड़ा लगना है सिलने में, तो आपकी बात पर उनको एतमाद रहेगा कि हाँ ये हमें हमारा बचा हुआ थोड़ा कपड़े के बारे में भी पूछते हैं कि ये आपका कपड़ा बचा है रख लें या फिर आप इसको ले जाओगे। तो उनके दिल में आपकी जो है ना इंशाअल्लाह ताला इज़्ज़त भी बढ़ेगी और परहेज़गारी के सबब अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी देगा। लिहाजा एहतियात यही है कि आप हर सूरत में पूछ लें, वरना मैंने जो दरमियानी सूरत थी वो आपको बयान कर दी। पत्थर में हसन पुरनवार बना